नमस्कार, धन ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है, महाबली हनुमान। एक ऐसे रियल सुपरमैन जो पावरफुल होने के बावजूद एक भगवान राम के प्रति समर्पित रहे, भक्तों की एक आवाज पर तुरंत उनकी सहायता करते हैं और सशरीर हमारे बीच बसते हैं। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महाबली हनुमान की महिमा से देखिए हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी भक्ति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सात समंदर पार अमेरिका में भी उन्हें पूजा जाता है। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अगर अपनी जेब में हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं तो कैंसिन जैसे शहर में हनुमान जी की 24 फीट लंबी प्रतिमा मौजूद है। और अब देखिए, अमेरिका की धरती से हनुमान जी का एक खोया हुआ शहर मिला है, एक ऐसा शहर जहां तमाम अमेरिकी बजरंग बली की आराधना किया करते थे और आज उसे कहा जाता है द लास्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। रामायण में आपको अहिरावण से जुड़ा अध्याय याद होगा, जब हनुमान जी अहिरावण का वध कर भगवान राम और लक्ष्मण को उनकी कैद से छुड़ाते हैं और फिर पुत्र मगरध्वज को पाताल लोक का नरेश बनाकर वापस आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अहिरावण का पाताल लोक कहाँ है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की हर किसी ने कोशिश की और इस पर से एक साहसी खोजी थिएटर मॉड ने पर्दा भी हटाया। माना जाता है कि ये दुनिया जिस पतालों की बात करती है वो खोजी मॉड का ढूंढा हुआ एक ऐसा शहर है जहां सैकड़ों वर्ष पहले हनुमान जी की पूजा होती थी। देखिए, असल में साल 1940 में खोजी मॉड के अनुसार उन्होंने मध्य अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा कबीला या फिर एक गांव जैसा दिखने वाला शहर ढूंढ निकाला जहां का देवता एक वानर जैसा दिखने वाला इंसान था। मॉड यानी कि जो खोजी थे, उन्होंने उस जगह का नाम लास्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड रखा। अब मॉड की माने तो मध्य अमेरिका के मसूकियाशा वर्षा में जंगलों में करीब 3200 वर्ग मील में फैली ये जगह अभी तक लोगों की नज़रों से छिपी हुई है। अपने एक साथी लैरेंस के साथ 4 से 5 महीनों तक जंगलों में भटकने के बाद उन्हें ये जगह मिली और जहाँ की दीवारें किसी आम पत्थर से नहीं बल्कि सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थी। उस जगह को देखकर ऐसा लगा कि मानो किसी समय यहाँ कोई बड़ा साम्राज्य रहा होगा। उस शहर के चारों ओर संगमरमर की सफ़ेद दीवारों का घेरा था। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर मॉड को ये पता लगा कि यहाँ कोई ऐसी प्रजाति रहा करती थी जिनका देवता एक बंदर की भांति दिखने वाला मानव था। वो ना तो देखिए पूरी तरह से मानव था और ना ही पूर्ण रूप से बंदर। अब लोगों का मानना है कि शायद आज भी उस विशाल बंदर की कोई प्रतिमा वहाँ की जमीन के नीचे दबी हुई है। तो मॉड जो खोजी थे उनके द्वारा जिस जगह की खोज की गई, ठीक उसी जगह का उल्लेख रामायण में देखिए हजारों वर्ष पहले किया गया है। रामायण के मुताबिक हनुमान जी एक समय मध्य अमेरिका जरूर गए थे। जैसे कि सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनका शरीर देखने में तो बिल्कुल एक बंदर की भांति है, किंतु उनकी चाल ढाल और वाणी इंसानों वाली वर्णित है। लेकिन वर्तमान में ये पताल लोक मध्य अमेरिका तथा ब्राजील का ही हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी के ग्लोब के आधार पर भारत देश से बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता है और जो कि जमीन से काफी नीचे है, और इसलिए इसे पताल लोक माना जा सकता है। हो सकता है देखिए कि मॉड द्वारा खोजे गए शहर के वासियों का देवता और हनुमान जी के पुत्र मगरध्वज एक ही हो, और दूसरी ओर देखिए कुछ पुरातत्व वेताओं का ये भी मानना है कि वो देवता स्वयं भगवान हनुमान ही हो सकते हैं। अपनी खोज से वापस लौटते वक्त मॉड अपने साथ निशाने के तौर पर देखे काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए थे और ताकि वैज्ञानिक उनकी खोज पर यकीन कर सकें, किंतु मॉड ने अपनी खोज की सारी बातें कभी भी विस्तार से नहीं बताई और ना ही उन्होंने देखे कभी यह बताया कि जिस व्हाइट सिटी को उन्होंने खोज निकाला था उस तक पहुंचने का रास्ता आखिर है क्या।
तो साल 1954 में रहस्यमय तरीके से देखिए मौत जो खोजी थी उनकी तो मौत हो गई और उस जगह का हर एक राज उनके साथ ही खत्म हो गया, लेकिन उनके बताए हुए तथ्यों को आधार बनाकर आज भी वैज्ञानिक उस जगह को खोज रहे हैं। देखिए साल 2021 में पुरातत्व विभाग की टीम ने हॉन्स्ट्रॉन्स के घने जंगल में दो शहरों की खोज की और जहां उन्हें पिरामिड प्लाजा और आधे मानव आधे जगुआर जैसी कलाकृतियां भी मिली और वहीं बजरंगबली के खोए हुए शहर की खोज आज भी जारी है।